गाइस वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब्स। सो गाइस आज हम देखने वाले हैं लव रीडिंग जो होने वाली है नवंबर मंथ में, 1 to 10 of November। सो गाइस हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या है, कैसे चल रही है आपकी लव लाइफ, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। ओके और गाइस ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो गाइस अपनी सिचुएशन में से ज़बरदस्ती फिट ना करें। ओके हो सकता है किसी से कुछ परसेंट ही रेजोनेट करे। सो गाइज अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गाइज बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके ओके गाइज तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एक्वेरियस, तो हम देख लेते हैं आपके लव लाइफ में ये 10 दिन कैसे रहने वाले। ओके कुंभ राशि, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, द हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ स्वॉर्ड। आई होप सभी को विजिबल है ये कार्ड्स। सो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप में किसी तरह का एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हो। ओके किसी तरह का स्ट्रांग डिसीजन लेने की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क दिखाई दे रहा है। आप बहुत टाइम से कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो, कुछ ऐसा हार्डवर्क कर रहे हो जो आपके रिलेशनशिप के लिए बेनिफिट हो। ओके और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि साथ ही साथ आपके पर्सन भी आपकी आपकी तरफ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी हेल्प कर रहे हैं आपकी। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन एक स्ट्रांग कमिटमेंट दे दे आपको। और गाइज मुझे यहाँ पर एक मेन चीज़ जो दिख रही है कि आपके पर्सन हो सकते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हो। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ओके और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन एक बहुत ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, फाइनेंशियली वे में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ओके और यहाँ पर आप और आपके पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पर्सन आउट ऑफ सिटी रहते हो या फिर आउट ऑफ कंट्री रहते हो। ओके और आपका मिलना बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बाद होता है एक दूसरे से, और आप हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ या अपने कलीग्स के साथ बिताते होगे। ओके सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन एक स्ट्रांग कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, बट जो आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग भी हो जो आप दोनों के रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हो, जेलेसी करते हो आप दोनों से। ओके आपके रिलेशनशिप से, आपके स्ट्रांग बॉन्ड से जेलेसी करते हो। ओके और यहाँ पर मुझे मैनिपुलेशन की एनर्जी दिख रही है। बहुत से लोग हो सकते हैं कि आपको भड़काएं या किसी वजह से आपको आपके रिलेशनशिप के लिए उल्टे सीधे वर्ड्स बोले। ओके बट यहाँ पर मुझे यहाँ पर साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपको बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आना, बिकॉज आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपसे और आपकी तरफ वो बहुत जल्द ही स्ट्रांग एक कमिटमेंट लेकर आएंगे, एक स्ट्रांग प्रपोजल लेकर आने वाले हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है, एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन की एनर्जी दिख रही है जो आपकी तरफ आ रही है। ओके और मुझे यहाँ पर और कोई पर्सन नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ एक ही पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ओके और हो सकते हैं कि वो आपके पर्सन ही हो, और जो आपकी एनर्जी है गाइज वो बहुत ज़्यादा ईजी है कि मैं अपने पर्सन पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ, पूरा भरोसा करती हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, इस तरह की एनर्जी है आपकी। ओके और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि गाइज हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स की जो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों में आ जाओ। ओके बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है गाइज, वो कहता है आपसे कि आपको किसी और की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ओके आपको खुद पे ज़्यादा विश्वास रखना है, अपनी हार्डवर्क पे, अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा भरोसा रखना है। ओके बिकॉज यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो
अगर आप इस रिलेशनशिप के बारे में बुरा सोचते हो या बुरा सोचने लग जाते हो अपने पर्सन के लिए, सो गाइज वैसा हो सकता है। ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। ओके, अगर आप उनके लिए गलत सोचोगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी गलत हो। ओके, सो गाइज मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपको अपन किसी और की बातों में नहीं आना है, आपको अपने पर्सन पे भरोसा रखना है। ओके, और जो भी आप दूसरों की वजह से अपने पर्सन के लिए गलत थॉट्स रखने लगे हो, सो गाइज आप उसे हटा दीजिए अपने मन से। ओके, सो गाइज हम और कार्ड्स देख लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड के, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा गाइज, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो फाइनेंशली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो एक लॉजिकल पर्सन है। ओके, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, उनके अंदर इमोशन कह सकते हैं थोड़े से कम है, बट वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आप में। बट यहाँ पे साथ ही साथ जिस तरह से मैंने अभी आपको कहा कि आप किसी और की बातों में आकर, हो सकता है कि आप अपने पर्सन के ऊपर शक कर सकते हो। ओके, सो गाइज यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स की कि आपको किसी और की बातों में नहीं आना है, आपको अपने ऊपर यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है एंड आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से, या ऐसा पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत स्ट्रांग इमोशंस लेकर आ रहे हैं। ओके, और वो आपके पर्सन हो सकते हैं गाइस। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप हो सकते हो मैनिपुलेट हो जाओ किसी दूसरे पर्सन से, किसी दूसरे लोगों से जो आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को नहीं चाहते। ओके, सो आपको थोड़ा सा काम रहना है और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। ओके, अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट रखना है। तो हम देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या मैसेज है। सो यूनिवर्स का ऐसा मैसेज है आपके लिए कि आपको एक अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। ओके, और यहाँ पर यूनिवर्स का ऐसा मैसेज है कि आपका जो कंफर्ट जोन है, आप जिसमें भी बहुत ज़्यादा, जिस भी फ्रेंड जोन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है कि उन फ्रेंड ग्रुप में, उस कलीग में, जो कलीग है आपके उनके ग्रुप में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट कर सके, जो आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ बुरा बोल सके। सो गाइज उस जोन से आपको बाहर निकलना है। ओके, और यहाँ पे ये भी है कि आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना है और आपको अपने पर्सन के लिए मूव लेना है, आपको अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव रहना है। ओके, और यहाँ पर जो भी है पॉजिटिव मूव आपको लेना है, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं आपके आसपास में जो आपके रिलेशनशिप को अच्छा अच्छा नहीं बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी रुकावटें हैं गाइस। ओके, सो यूनिवर्स का ऐसा मैसेज है जो भी लोग आपके रिलेशनशिप के साथ नहीं है, आपको उनसे दूर हो जाना चाहिए और खुद के लिए एक स्ट्रांग मूव लेना चाहिए। ओके, ओके गाइस, बाय।